गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे इज नेक्स्ट कैटेलिस्ट टाइप ऑटो कैटेलिस्ट। इससे प्रीवियस वीडियो क्लास में अपन ने कैटेलिस्ट के फोर्थ टाइप देख चुके थे, जिसमें होमोजीनियस कैटेलिस्ट देखा था, जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट सभी की एक ही स्टेट थी, ठीक है, एक ही सेम ही प्रॉपर्टी थी। हेट्रोजीनियस जिसमें होमोजीनियस से जस्ट अपोजिट था, इसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट सबकी अलग अलग फिजिकल स्टेट थी, ठीक है, कोई सॉलिड था, कोई लिक्विड था, कोई गैस था। ऐसे नेक्स्ट देखा अपन ने पॉजिटिव कैटेलिस्ट, जो कि रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करते हैं, वो पॉजिटिव कैटेलिस्ट। नेगेटिव कैटेलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। इसके बाद में अपन ने नेगेटिव कैटेलिस्ट में फोस्जीन गैस देखी थी, जो कि क्या थी, एक पॉइजनस गैस थी, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म क्या होता है, फोस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए क्या ऐड किया जाता है, इसमें एथिल अल्कोहल ऐड किया जाता है, ताकि वो फोस्जीन में कन्वर्ट ना हो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, IMP है, तो इसका ये आंसर था। अब देखते हैं फिफ्थ टाइप का कैटेलिस्ट, ऑटो कैटेलिस्ट। द कैटेलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड ऑटो कैटेलिस्ट। जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटो कैटेलिस्ट कहते हैं। तो इसमें अपन ने जो पॉजिटिव कैटेलिस्ट देखा था, ठीक है, ये रिएक्शंस भी आप इसमें राइट कर सकते हैं ऑटो कैटेलिस्ट में। आप चाहें तो ये एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है, ये भी आप राइट कर सकते हैं। इसको कहते हैं एसीटेट के साथ एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एथिल एसीटेट, इसकी रिएक्शन H2O से कराएं। देखिए H2O में H और OH है, तो OH जो C2H5 के साथ रिएक्शन कौन करेगा, OH करेगा और एथेनॉल बना लेगा। और जो H है, H और OH में से जो H है, ये H इसकी जगह अटैच हो जाएगा, तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, CH3COOH। तो किस कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। ये कौन सा कैटेलिस्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसकी प्रेजेंस में जो एथिल एसीटेट वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड और एथेनॉल में डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट है बायो कैटेलिस्ट। इट्स टाइप कैटेलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड बायो कैटेलिस्ट। ये भी क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये अपन ने सेकंड चैप्टर में कुछ रिएक्शन देखी थी, माल्टोज किसमें, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में डिवाइड होता है, तो ये माल्टेज एंजाइम क्या है, कैटेलिस्ट का वर्क कर रहा है। इसी लैक्टोज जो है, लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में डिवाइड हो रहा है, सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में, स्टार्च एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में माल्टोज में, प्रोटीन जो होता है पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में पेप्टाइड में। तो इस टाइप से ये क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। ये जो एंजाइम्स हैं, ये एक तरह से कैटेलिस्ट का बिहेव कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स भी आप राइट कर सकते हैं, या यूरिया का एग्जांपल भी राइट कर सकते हैं, NH2CO NH2, ये यूरिया का केमिकल फॉर्मूला है। यदि रिएक्शन इसकी वाटर से करवाई जाए और यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में, यूरिया यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ब्रेक हो जाता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बाकी बैलेंस कर लेंगे आप। तो ये है बायो कैटेलिस्ट। नेक्स्ट है सेवंथ कैटेलिस्ट टाइप, कैटेलिस्ट प्रोमोटर। एक है कैटेलिस्ट पॉइजन। पॉइजन का मीन्स है स्पीड स्लो करना, प्रोमोटर मीन्स होता है प्रमोट करना, स्पीड बढ़ाना। तो इस टाइप ऑफ कैटेलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड कैटेलिस्ट प्रोमोटर। तो इसमें आप जो पॉजिटिव कैटेलिस्ट के एग्जांपल्स भी आप इसमें राइट कर सकते हैं, कैटेलिस्ट प्रोमोटर, या ऑटो कैटेलिस्ट के एग्जांपल भी आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कैटेलिस्ट प्रोमोटर है। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करके आयरन की प्रेजेंस में या मोलीबडेनम की प्रेजेंस में ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों क्या है, कैटेलिस्ट है, कोई से भी कैटेलिस्ट इनमें लिया जा सकता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। ऐसे वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन गैस मिलकर निकिल या कॉपर की प्रेजेंस में वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये भी कैटेलिस्ट प्रोमोटर है, ठीक है। ये अब देखते हैं कैटेलिस्ट पॉइजन। पॉइजन से जैसे, पॉइजन से नाम पता चल रहा है, जैसे
कोई लाइफ में पॉइजन ले लेता है तो उसकी रिएक्शन या उसकी लाइफ उधर ही रुक जाती है, ठीक है, वो उसकी डेथ हो जाती है। तो पॉइजन से ये समझे कि स्पीड डिक्रीज करना। तो इस टाइप ऑफ कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड कैटलिस्ट पॉइजन। इस टाइप के जो कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो इनको क्या कहते हैं भाई, कैटलिस्ट पॉइजन कहते हैं, ठीक है। आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जब रिएक्शन करती तो अमोनिया में कन्वर्ट होती हैं, तो ये क्या है, कैटलिस्ट पॉइजन है। तो आयरन तो दोनों में सेम ही है, वहाँ मोलिब्लेडनम है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, तो ये कैटलिस्ट पॉइजन कहलाता है। तो ये कैटलिस्ट, देखिए ये रिएक्शन यहाँ पे भी है, ये रिएक्शन यहाँ पे भी है, जो अलग है वो है यहाँ मोलिब्लेडनम है और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन है, ये कैटलिस्ट प्रोमोटर है। लास्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कैटलिस्ट की, फर्स्ट है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच रिएक्शन। एक छोटा सा अमाउंट ही क्या होता है रिएक्शन का, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच रिएक्शन, तो हल्की सी रिक्वायरमेंट होती है इनकी प्रेजेंस जो कि रिएक्शन की स्पीड को स्लो या फास्ट करने में। नेक्स्ट है कैटलिस्ट आर रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द चेंज ऑफ रेट केमिकल रिएक्शन। तो इस किसी भी रिएक्शन की स्पीड स्लो होना या फास्ट होना उसके लिए कौन डिपेंडेड है, रेस्पॉन्सिबल है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर मोर एक्टिव एंड सर्टेन टेम्परेचर। यदि कैटलिस्ट को यदि टेम्परेचर दे दिया जाए और ज़्यादा तो उनकी स्पीड को और ज़्यादा फास्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट और स्टार्ट द रिएक्शन बट इंक्रीज एंड डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो कैटलिस्ट होते हैं ये रिएक्शन में स्टार्टिंग में इनिशिएट पोजिशन में अटैच नहीं होता है रिएक्टेंट के फॉर्म में, ये ओनली इनकी प्रेजेंस ही होती है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी नहीं होता है, ये इस रिएक्शन की ओनली स्पीड को स्लो और फास्ट करते हैं। नेक्स्ट है कैटलिस्ट अफेक्ट इक्वली द बोथ साइड इन रिवर्साइबल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट, कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी हैं जो रिवर्साइबल रिएक्शन है उसको दोनों साइड से क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, दोनों साइड से स्पीड को स्लो या फास्ट करते हैं। नेक्स्ट है कैटलिस्ट इज इन इंक्रीज सेल्फ अनचेंज नॉट कन्वर्ट ए प्रोडक्ट इट्स सेल्फ बट रिएक्शन स्पीड डन स्लो और फास्ट। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, सेल्फ अनचेंज रहते हैं रिएक्शन में और प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये रिएक्शन की स्पीड को स्लो और फास्ट करते हैं। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेसन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।